जबरदस्त, आई लव यू हैदराबाद, आई लव यू। वुमेन प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेरे एहतमाम रंगे इश्क के उन्वान से रंगारंग म्यूजिकल सूफी नाइट का एहतमाम हिल्टन बैंक्वेट में किया गया। इस मौके पर WPO की रूह रवा हुमा खान ने मेहमानान का इस्तकबाल किया। तकरीब में समद सुमरो, मीर हैदर तालपुर, शौकी अली खान, आसिफ सागर, DM ब्रोही, डॉक्टर रिमल, सुहेल खान खटक, फैजान शेख, नाजिश फातिमा, हादी खान, हसान मीमन, इशरत अली खान समेत शहर की सियासी, समाजी, फलाही, ताजिर, शोबिस शख्सियात, मौजूदीन शहर और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में सूफी रक्स पेश किया गया और हैदराबाद के मारूफ फनकारों शाहिद बाबर, अरसलान सिद्दीकी व दीगर ने अपने फन का मुजाहरा किया और हाजरीन की खूबदाद वसूल की। शाहिद बाबर की धमालों पर शुरका रक्स करते नजर आए, जबकि मारूफ कॉमेडियन असगर खुसो ने अपनी धुआंधार परफॉर्मेंस से महफिल लूट ली। तो मेरे को आदमी बोलते हल्लू मेरी कार लगती थी, हार्ड से बहुत बढ़ती हुई कार लगती थी खुश। सूफी नाइट की कंपेयरिंग के फराइज इसहाक राजू और दानिश मेहदी ने सरंजाम दिए, जबकि हजरत अली की विलादत के सिलसिले में केक भी काटा गया। फन महारत का भरपूर इजहार, छुपता नहीं फन का मायार। रमाडा हैदराबाद में पहली बार 4-स्टार होटल की पुरासाइश जिंदगी। ये हमारा पर्पस ये था, हम जो WPO की तरफ से जो न्यू प्रोग्राम्स करने जा रहे हैं, हमारा फैशन शो भी अनाउंस होने वाला है जो बहुत जल्दी होगा और इंशाल्लाह हैदराबाद का नंबर वन प्रोग्राम होगा। जिस तरह हमेशा लोगों ने पसंद किया है, हमारा Season 3 बहुत जल्द आप लोगों को देखने का मिलेगा और Number 1, Number 2 लोगों की मोहब्बतों से बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ। बस ये हमारी टीम की मेहनत थी, इसमें थोड़ी सी बस प्रोग्राम में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई वो चले होता रहता, ज़िंदगी का एक हिस्सा है जो भी ना। और माशाल्लाह मैडम नाजिश ने इसमें हमें स्पॉन्सर किया था और WPO की तरफ से प्रोग्राम अरेंज किया था और इंशाल्लाह इस तरह के प्रोग्राम आपको देखने को मिलेंगे। हैदराबाद न्यूज़ ने मेरे पहले प्रोग्राम से कवरेज किए, जहैब का बहुत बहुत शुक्रिया, उज़ैर का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे समझे WPO को प्रमोट करने में जहैब हैदराबाद न्यूज़ का बहुत बड़ा हाथ है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी हैदराबाद न्यूज़ का, पूरी टीम की तरफ से हैदराबाद न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। मौला अली की विलादत के हवाले से 13 रजब के हवाले से रखा था, जिसको ऑर्गेनाइज किया नाजिक फातिमा और मैडम हुमा और उनकी टीम ने। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ हैदराबाद की इंतजामिया का, डीसी हैदराबाद फवाद गफ्फार सुमरो साहब का और लोकल इंतजामिया का और हिल्टन बैंक्वेट की जो है इंतजामिया, उनमें एक हमारी बहन है और एक शकील खानदादा भाई है, उन सबका शुक्रगुजार हूँ कि इन सब की काविशों से ये इवेंट हुआ और बेहतरीन इवेंट हुआ। रात के 1 बजे तक चल रहा है और मौला की विलादत के हवाले से केक भी काटा गया 13 रजब का। तो मैं कहूँगा कि ऐसा इवेंट हैदराबाद में अच्छी एक्टिविटी होती रहे, आने वाले वक्त में होती रहे, क्योंकि कोई तरह का मैसेज जाएगा कि हम जैसे दूसरे इवेंट मनाते हैं ऐसे हम मौला का भी मैसेज मनाएं। शौकी भाई को और मिस नाजिश को कि इनकी वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई हैं और मुझे उम्मीद है, इन्होंने लास्ट टाइम इनके साथ हमने काम किया था 2 साल पहले, एक WPO की तरफ से एक फैशन शो हुआ था जो दैट वाज अ ग्रेट इवेंट पर हैदराबाद की हिस्ट्री में, इससे अच्छा इवेंट अभी तक नहीं हुआ और मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में भी ये बहुत अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइज़ करेंगे। ये बहुत अच्छा इवेंट हुआ है और ऐसे इवेंट जो है हैदराबाद में होने चाहिए। मैं सबको यही बोलूँगा, हैदराबाद के आवाम को यही कहूँगा कि ऐसे इवेंट में आना चाहिए, आप लोगों को बहुत इन्जॉयमेंट होती है। रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालेहाना इस्तकबाल अब बाबे सिंध में भी बहुत जल्द। रमादा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4-स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट।